जीडीपी आपका शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूं, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी देश के निवासियों के द्वारा, किसी भी देश के निवासियों के द्वारा एक निश्चित समयावधि में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। वॉट एवर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाई द रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती, मैंने अंतिम वस्तु और सेवा के बारे में बताया था कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, अंतिम वस्तुएं और आपका सेवाएं आपका क्या होती हैं ये बताया था। अब आपका बात की जा रही है कि वॉट एवर द टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दोज आर प्रोड्यूस बाई द रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री, जो भी आपका अंतिम वस्तुएं और सेवाएं किसी भी देश के निवासी सामान्य निवासियों के द्वारा आपका उत्पादित की जाती हैं अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, उन सभी का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो यहां मैंने तीन चार चीजें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपका डिस्कस की हुई है। एक बार आपका वापस मैं आपका यहां पर तुम लोगों को बताता हूं कि हम किन चीजों पर आपका यहां पर जोर दे रहे हैं जीडीपी के टाइम पर। तो जब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो हम आपका जिन चीजों पर जोर दे रहे हैं आपका वो क्या क्या है आपका ये चीज समझिएगा। जीडीपी के कैलकुलेशन में आपका हम पहली बात कर रहे हैं सामान्य निवासियों के। जीडीपी के कैलकुलेशन में हम आपका पहली चीज आपका बात कर रहे हैं सामान्य निवासियों की। ये सामान्य निवासी आखिर क्या बला है, मैंने आपको बताया रेजिडेंट्स के बारे में। तो ये रेजिडेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था भारत के भले वो नागरिक ना हो भारत में निवास कर रहे हैं तो वो रेजिडेंट्स हैं। मैंने कल एग्जांपल देके बताया था कि अमेरिका की एम्बेसी का एक स्कूल आपका दिल्ली में है तो उस स्कूल में होने वाली जो भी अर्निंग होगी जो भी इनकम होगी वो अमेरिका की जीडीपी में होगी। ब्रिटेन की एम्बेसी में, ब्रिटेन में आपका इंडियन एम्बेसी में कोई एग्जीबिशन होता, कोई प्रदर्शनी होती, कोई उससे होने वाली अर्निंग जो है वो इंडिया की जीडीपी में आएगी। सामान्य निवासी जो आपका साल के आधे दिन 182 दिन से ज़्यादा ठीक है भारत में निवास कर रहे हैं, उनके पास भले भारतीय पासपोर्ट ना हो लेकिन हम आपको उनको भारत का यहाँ पर क्या मानेंगे, निवासी मानेंगे, राइट। आगे बात करते सामान्य निवासियों के बाद में निश्चित समयावधि क्या है। निश्चित समयावधि एट सर्टेन टाइम पीरियड, ये निश्चित समयावधि का मतलब आपका हो चुका है कि एक वित्तीय वर्ष या फिर एक आपका कैलेंडर ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत के लिए अगर हम बात करें या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो निश्चित समयावधि आपको समझ में आ रही है। फिर हमने बात की अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने आपको बताया था कि मध्यवर्ती वस्तुओं को आपका जो एज अ इनपुट यूज होनी है उनको हम जीडीपी में शामिल नहीं करते, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को आपका ही सिर्फ शामिल किया जाता है जीडीपी कैलकुलेशन में। और फिर बात की थी मौद्रिक मूल्य की, मॉनेटरी वैल्यू की। मौद्रिक मूल्य का मतलब जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं इनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, इनको हमें आपका प्रेजेंट जो आपका करेंट में मार्केट प्राइस होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आपका मुद्रा के रूप में हर चीज का मान पता चलता है, यानी मॉनेटरी फॉर्म में हर एक चीज की वैल्यू पता चलती है। इसी वजह से जो जीडीपी हम लोग निकालते हैं उसके साथ कई बार ऐसा छोटा सा एमपी लिखा होता है, इसका मतलब जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस, राइट। देन बात कर लेते हैं आपका यहीं पर से डेफिनेशन मैंने आपको बताई, एक और आपका टर्म मैंने समझाया हुआ था और वो था आपका भौगोलिक सीमा। ये भौगोलिक सीमा आपको बताया मैंने कि ऐसा नहीं आपका सिर्फ इंडिया की बाउंड्री की बात हो रही है, भौगोलिक सीमा में आपका यहां पर हमें EEZ का कॉन्सेप्ट समझना था, जो बताया था मैंने कल आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भारत का आपका कोस्टल लाइन है, भारत की तटीय रेखा है। बताया था भारत या किसी भी देश को जिसकी समुद्री तट रेखा होती है उसको छूट मिली हुई 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका समुद्र में जितने भी संसाधन उनको उपयोग करने की, मछलियां पकड़नी पकड़ लीजिए, यहां पर तेल अगर हो तो वो निकाल लीजिए, जो भी आप कर सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स तक कर सकते हो। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय जल सीमा शुरू हो जाती है, इंटरनेशनल टेरिटरी आपका शुरू हो जाती है। जो भी लोग आपका फेसबुक पर लाई सबको हाय हेलो मेरी तरफ गुड इवनिंग, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रंजीत जी, रंजीत सचान जी, अरविंद मौर्य, मनीष दीक्षित, विभू, शशि प्रभा, सीतू हाय कैसे बेटा, विकास, राइट, सबको आपका मेरी तरफ से गुड इवनिंग। उम्मीद है आपको मजा आया होगा ना, ये रात को शाम को 8 बजे आपका लाइव होते हैं तो आप लोग भी समझ सकते हो कि इस समय जो आपका चल रहा है कोविड का टाइम और ऐसे में आपका हम सिर्फ और सिर्फ आपका वर्कआउट करते हैं यहाँ पर, ओके। तो आगे बात करें
यहाँ तक कोई समस्या? फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम क्या कैलकुलेट करते हो, क्या नहीं कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी कैलकुलेशन में आपका बाई एंड सेल ऑफ ओल्ड गुड्स, जो आपका पुरानी वस्तुएं होती हैं, इनकी आपका खरीद और बिक्री को शामिल नहीं किया जाता है। जो ट्रांसफरेबल पेमेंट्स होते हैं, जो भुगतान हस्तांतरण होते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता है। जो वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो आपका वित्तीय प्रपत्र होते हैं, उनकी वैल्यूज को शामिल नहीं किया जाता। जो आप स्व उपभोग के लिए वस्तुएं बनाते हो, ओन कंजम्पशन के लिए, उनको भी शामिल नहीं किया जाता। कल पिज्जा वगैरह के एग्जाम्पल से आपको बताया था कि घर पे मम्मी पिज्जा बना रही, तो ये आपका जीडीपी में नहीं शामिल होगा। लेकिन अगर किसी भी पुरानी वस्तु के खरीद बिक्री में क्या होता है, पुरानी वस्तु की खरीद बिक्री में अगर कमीशन अप्लाई होता है, या वित्तीय प्रपत्र जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं उन पे कमीशन अप्लाई होता है, तो ये चीज़ आपका शामिल होगी जीडीपी में। इतना हमने कल आपसे डिस्कस किया हुआ था। आई होप सो अगर कल वाली क्लास एक बार दोबारा देख लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में मैं बताया था, एक ऐसी चीज़ जो आपका उपयोग के लिए रेडी है, जिसको फाइनल यूजर ने खरीद लिया, दैट इज़ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अंतिम वस्तु है। और एक ऐसी चीज़ जो कि आपका किसी दूसरे की इनपुट के रूप में काम करेगी, जैसे टायर ऑन अ ट्रक, राइट, मैंने मैगी के लिए बताया था आटा, ये सारी आपका इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है। अब आपका बात आ जाती है कि हम आपका बाकी टर्म्स को आपका डिस्कस करें, हम आपका बात करें जीडीपी के बाद एनडीपी की क्या है। मैंने आपको समझाया था, सबका पहला अक्षर देखो, यहां पर जी है, यहां एन हो गया, यहां तो डी है, डी बना रहा है, यहां पर आपका देखो जी है। सिर्फ अंतर क्या हो रहा है, जो शुरुआत में आपका या तो जी रहेगा या एन। जी आपका दैट इज ग्रॉस, एन क्या है आपका नेट, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कब ग्रॉस से नेट हो जाता, और बीच में आपका या तो डी होगा या फिर एन, यानी बीच में या तो डोमेस्टिक मिलेगा या नेशनल। शुरुआत में आपका क्या मिलेगा, ग्रॉस मिलेगा, या फिर आपका क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। तो बात समझिएगा आपका, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, आपका यहां पर से मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपका बेटा, कि शुरुआत में क्या मिलेगा। शुरुआत में आपको चाहे जी की बात करें, ठीक है, या जीडीपी आएगा, या फिर आपका यहाँ पर एनडीपी आएगा। तो देखो आपका चेंज क्या आया, जी से एन हो गया। अगर हम आपका बात करें, यहाँ पर जीडीपी है, यहाँ पर जीएनपी दिया हुआ है, तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका डी से एन हो गया। अगर यहाँ पर जीडीपी दिया हुआ है, यहाँ पर एनएनपी दिया हुआ है, तो देखो जी से भी एन हो गया और डी से क्या हो गया, एन हो गया। तो जो शुरुआत में जी से एन हो रहा है, ये शुरुआत में जी से एन क्या हो रहा है, ये ग्रॉस से नेट, और जो बीच में आपका डी से एन हो रहा है, ये डी से जो एन हो रहा है, ये डोमेस्टिक से क्या हो जा रहा है, ये डोमेस्टिक से नेशनल हो जा रहा है। अब आपको ये समझना है कि आखिर आपका ये ग्रॉस से नेट क्या है और ये डोमेस्टिक से आपका नेशनल क्या चीज है। ओके, तो यहां तक आपका चर्चा होती है हमारी आपका, और तो चलिए यहाँ से बात आपका हमारी आगे शुरू होती है कि ग्रॉस से नेट का अंतर क्या है, ग्रॉस से नेट क्या होगा, और साथ साथ में आपका ये डोमेस्टिक से नेशनल क्या है। ओके, चलो यहाँ पर आपका चर्चा करते हैं, बात करते हैं आपका कि ये ग्रॉस से नेट क्या है और डोमेस्टिक से नेशनल क्या है, राइट। तो जब मैंने आपको समझाया था कल कि जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी के कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो जीडीपी में उन सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड कर लेते हैं जो कि हमारे या किसी भी देश के आपका सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित की जाती हैं। मींस ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट्स में आपका कौन कौन आते हैं,
भाई भारतीय जो कि बाहर रह रहे हैं आपका, वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट हुए, तमाम विदेशी भारत में रह रहे वो आपका हमारे यहाँ के आपका रेजिडेंट हुए। सेकेंडरी चीज़ मैंने आपको समझाई थी बेटा कि जब आप किसी भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हो तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में एक चीज़ आपका अप्लाई होती है, दैट इज ह्रास, यानी जिसको आप कहते हो डिप्रिसिएशन। ये ह्रास क्या होता है? किसी भी चीज़ की वैल्यू में कमी आ जाना। आपने एक फैक्ट्री लगाई, वो फैक्ट्री आपका जूता बनाने के लिए लगाई, आप एक शू मैन्युफैक्चरर है, आप जीडीपी में क्या इंक्लूड कराओगे? जीडीपी में इंक्लूड होगा कि ठीक है आपने कितने आपका जूते मुझे बनाए, जूते बनाए, लेकिन उन जूतों को बनाने के लिए आपने जो फैक्ट्री लगाई हुई, जो मशीन लगाई हुई है, जो आपने कैपिटल इन्वॉल्व करी हुई है, आपकी जो पूंजी लगी, वो पूंजी की वैल्यू लगातार धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही। पूंजी जो आपकी लगी, कैपिटल जो लगी, आज आपने फैक्ट्री बनाने में 5 करोड़ रुपए लगा दिए, तो आज जो 5 करोड़ की वैल्यू है, कल को पहली चीज जो 5 करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं बचेगी, आने वाले 10 साल में 5 करोड़ की वैल्यू जो आज है वो 10 साल बाद नहीं बचेगी। सेकेंडरी चीज जो मशीनरी लगी हुई है, वो मशीन भी आपका धीरे धीरे क्या होती चली जाती, घिसती चली जाती है। तो ध्यान दीजिए, ह्रास किस में आ रहा? ह्रास यानी कमी, डिप्रिसिएशन आपका कैपिटल में आ रहा, ह्रास आपका किस में आ रहा? मशीन में आ रहा। जब जीडीपी कैलकुलेट करते तो इन दोनों की कोई चर्चा ही नहीं होती। कैपिटल में कितनी कमी आ रही है, कैपिटल वैल्यू में कितनी कमी आ रही, मशीनरी कितनी घिसती जा रही, इन सब चीज़ों में आपका आप कोई भी तरीके की चर्चा ही नहीं होती जीडीपी कैलकुलेशन में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें आपका एनडीपी निकालना है, यानी नेट निकालना है, एन फॉर यहाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर निकालना है तो जीडीपी से आपको डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन आपका माइनस कर रहे हैं अगर हम जीडीपी से, जीडीपी से क्या माइनस कर दे रहे हैं? डिप्रिसिएशन माइनस कर दे। डिप्रिसिएशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, मूल ह्रास क्या होता है, ह्रास यानी कमी आना किसी चीज में, जो आपने पूंजी लगाई हुई है किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए, या फिर जो मशीनरी आपने अप्लाई करी हुई है, उन सब की वैल्यू में धीरे धीरे कमी आती है। तो अगर आपका यहाँ पर क्या करिए, जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, ग्रॉस से अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या निकल आता है? नेट निकल आता है। यानी आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर पता चल गया। क्या फॉर्मूला पता चल गया? कि ग्रॉस से क्या माइनस कर देना है, डिप्रिसिएशन माइनस कर देना है, डी माइनस कर देना है। अगर ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो आपका क्या निकल आएगा? नेट। बोलो कोई समस्या? यानी अगर जी दिया हुआ है तो जी से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डी माइनस करना पड़ेगा, तो हमें क्या निकल आता है? नेट निकल आता है। ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन बराबरी क्या होता है? नेट। या नेट को इधर ले आओ तो ग्रॉस की तरफ आ जाएगा। ग्रॉस और नेट का अंतर किसके बराबर होता है? डिप्रिसिएशन बराबर होता है। बस ये याद रखना कि ग्रॉस और नेट का अंतर किसके बराबर आपका होता है? डिप्रिसिएशन के बराबर। समझ में आ गया ना? यहां पर कोई समस्या? ग्रॉस और नेट का अंतर डिप्रिसिएशन के इक्वल होता है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये लिखा हुआ है आपका जी एन पी और ये लिखा हुआ एन एन पी, ठीक है, आपसे मैं बोलूं कि एन एन पी निकालो जरा जी एन पी से, तो तुम समझ गए आपका बाकी तो कोई अंतर नहीं आ रहा, बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा, बाकी आपका सारे आपका वैसे के वैसे ही रह गए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि ये जी एन पी से एन एन पी निकाल दो, तो तुम्हें जी एन पी से एन एन पी निकालना, सिर्फ ग्रॉस से नेट हो रहा और कोई चेंज नहीं हो रहा। और तुम्हें पता अगर ग्रॉस से नेट चाहिए तो ग्रॉस से नेट कब मिलेगा आपको? एन एन पी चाहिए। किससे चाहिए? जी एन पी से। इस ग्रॉस में डिप्रिसिएशन शामिल है, ठीक है। हम जब डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आया? एन एन पी। तो देखो आपका एन एन पी बराबर क्या हो गया? जी एन पी माइनस डिप्रिसिएशन। तो आपको ये कहानी बात समझ में आई ना? अगर आपको ग्रॉस दिया हुआ है, नेट निकालना है, तो ग्रॉस से आपको क्या माइनस कर देना है? ग्रॉस से आपको डिप्रिसिएशन माइनस कर देना है। अब आपको एक एक करके और समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? जहाँ ग्रॉस दिया हुआ है इसका मतलब आपका जो सकल जहाँ लिखा हुआ है इसमें आपका मूल ह्रास को भी इंक्लूड किया गया है, डिप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। हमें जब नेट निकालना होता है, कोई भी चीज़ आपका शुद्ध रूप में निकालनी, ग्रॉस के बजाय हमें नेट फॉर्म में निकालना है, तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना होगा। हमें वो चीज़ किस में निकल आती? नेट फॉर्म में, ठीक है, डन, ओके।
अब बात आती है बीच में यहाँ पर डोमेस्टिक से नेशनल, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना। अब इसको समझ लो, अगर इसको समझ लिया तो आपके ये चार पांच जो शुरुआत वाले हैं, पांच के पांचों आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया, तुरंत आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, और आप खुद भी निकालने लगोगे अभी क्लास खत्म होते होते। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला बेटा कि जब ग्रॉस आपने निकाल लिया हुआ है तो ग्रॉस से आप अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दे रहे हो तो आपको निकल आ रहा है क्या, ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस कर दे रहे हैं तो आपको ये ग्रॉस से नेट को माइनस कर दे डिप्रिसिएशन निकल आएगा, ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे नेट आ जाएगा, यानी ग्रॉस माइनस नेट बराबर डिप्रिसिएशन या ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन बराबर नेट के। अब इसकी बात करते हैं अगर नेशनल और डोमेस्टिक में क्या अंतर है। नेशनल और डोमेस्टिक का जो अंतर है, जैसे यहाँ ग्रॉस और नेट का अंतर किसके बराबर है, इसको याद रखेंगे, ग्रॉस और नेट का अंतर किसके बराबर है, डिप्रिसिएशन यानी ह्रास के बराबर है, ठीक है। नेशनल और डोमेस्टिक का अंतर, नेशनल यानी राष्ट्रीय, डोमेस्टिक यानी घरेलू, इनका अंतर किसके बराबर होता, तो इसको याद रखेंगे, इसको शॉर्ट में कहते हैं NFI, NFI कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसको हम लोग कहते हैं एक्स माइनस एम। याद रखिएगा नेशनल माइनस डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल माइनस डोमेस्टिक होता है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, अब समझिए, नेट फैक्टर इनकम के लिए आपको मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड यानी बाहर से, विदेश से नेट फैक्टर इनकम। एक्स जनरली सामान्य तौर पर एक्सपोर्ट के लिए माना जाता है, और एम किसके लिए माना जाता है, इम्पोर्ट के लिए। तो एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स माइनस एम की बात कर रहे हैं, एक्स है आपका इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट जो हमें आपका निर्यात से आए हो रही, प्लस रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज अर्नड एज अ इनकम बाय द इंडियंस। तमाम भारतीय विदेश में रह रहे हैं, वो वहाँ पर जो आय प्राप्त करते हैं उस आय को हम आपका इंक्लूड कर रहे हैं किस में, एक्स में। तो भारतीय जो विदेश में रह रहे उनके द्वारा अर्जित आय प्लस हमें एक्सपोर्ट के जरिए अर्जित आय, दैट इज एक्स। एम क्या है आपका, एम आपका जो हमें इंपोर्ट के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जब इंपोर्ट करेंगे तो पैसा हमें देना पड़ेगा, प्लस तमाम आपका जो फॉरेनर्स हैं जो भारत में रह रहे हैं, ये यहाँ पर आपका पैसा कमाते हैं और अपने देश में भेज देते हैं, तो ये हमारे यहाँ पैसा जा रहा है। तो अंतर समझ में आ रहा है, दो चीजें, एक तरफ पैसा आने वाली चीजें वो किसमें, एक्स में, जो पैसा आ रहा है दैट इज एक्स, ठीक है, और जो पैसा जा रहा है दैट इज एम। तो ये एक्स और एम का अंतर हमारे पक्ष में भी हो सकता है और हमारे विपक्ष में भी, दैट में बी इन अवर फेवर और दैट में बी अवर, दैट में बी इन अवर ना, दैट में नॉट बी इन अवर फेवर। कब फेवर में होगा कब नहीं होगा, एक एग्जाम्पल के जरिए चलो समझाता हूं आपको, हो सकता है यहां पर चीजें आपका समझ में आ जाए। देखो जब हम x की बात कर रहे हैं तो x में आपका क्या क्या शामिल कर रहे हैं, देखो जब हम x की बात कर रहे हैं बेटा तो x, चलो वाइट स्क्रीन ले ले आपके लिए, हम x की बात कर रहे हैं तो x में आपका दो चीजें शामिल करी। मान लिया हमने आपका ₹50 का एक्सपोर्ट किया, ₹50 का क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और तमाम जो भारतीय आपका रहते हैं विदेश में वो आपका सब मिलके आपका ₹20 कमा ले रहे, सब आपका मिलके कितने रुपए कमा ले रहे, ₹20 कमा ले रहे। ये आपका कौन है, ये इंडियंस हैं, और ये इंडियंस आपका कहाँ रह रहे हैं, दे आर द रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज, दे आर नॉट आपका, ये NRI है, एक तरीके से नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, ये बाहर कमा रहे हैं, ये आपका मान लिया डॉलर्स के टर्म में कमा रहे हैं, इंडिया पैसा भेज रहे हैं आपका, राइट। तो ये हमारा एक्स है, तो एक्स टोटल यहाँ पर कितने रुपये हो गया, 80। Y की, M की बात करते हैं, M आपका क्या है, M जो हम इम्पोर्ट पर आपका खर्च कर रहे हैं, मान लिया हमने ₹60 आपका किस पर खर्च किया, इम्पोर्ट पर, हमने जो भी चीज़ें मंगाई इनके लिए हमें भुगतान करना पड़ा, ₹60 भुगतान किया, और यहाँ से आपका क्या हो रहा है आपका कि ₹5 जो है की वैल्यू के बराबर ऐसे लोग आपका जो फॉरेनर्स हैं जो कि भारत में रह रहे हैं, ये फॉरेनर्स ये आपका कहाँ पर रह रहे हैं, दे आर रेजाइडिंग इन इंडिया, दे आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पैसा कमा रहे हैं रुपए के टर्म में, बाहर भेज रहे हैं आपका डॉलर के टर्म में, यहाँ पर पैसा डॉलर के टर्म में कमाया जा रहा था, इंडिया भेजा जा रहा, राइट।
तो अब आपको समझ में आ रहा है x और m का अंतर क्या हो जाएगा। x आपका यहाँ पर 80 रुपये हो रहा है, अगर m की बात करें तो आपका ये कितना हो गया 65, यानी आपका हमारे पक्ष में है 15 रुपये हमें आपका यहाँ पर फायदा हो रहा है। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई ना अनन्या, रोजमेरी, बाकी लोग आपका, कि एक्स माइनस एम क्या है। एक्स माइनस एम इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें दो चीजें आपका घटेंगी जुड़ेंगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आपका, जब हम बात करेंगे एनएफआई की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसमें एक तरफ आपका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है आपका, उसका अंतर हम देखेंगे आपका क्या है, कि भारत के द्वारा आपका कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना आपका इंपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर ये हो सकता है हमारे पक्ष में हो या ना हो। और दूसरी चीज आपका देखेंगे, जो इंडियंस हैं जो कि बाहर आपका रह रहे हैं, कमा रहे हैं, यानी एनआरआईज की बात कर रहे हैं, ये बाहर कितना आपका कमा रहे हैं और कितना पैसा भारत भेज रहे हैं। दूसरे आपका वो लोग आपका जो फॉरेनर्स हैं, जो भारत में रह के आपका कमा रहे हैं और पैसा वापस विदेश भेज दे रहे हैं, ये पैसा आपका कहाँ, एनआरआई रह रहे हैं, काम कर रहे हैं विदेश में, ठीक है, ये विदेश से आपका पैसा कहाँ भेज रहे हैं, ये विदेश से पैसा भारत भेज रहे हैं। जबकि आपका एनआरआई के बजाय आपका हम बात करें, जो आपका फॉरेनर्स हैं, इनके द्वारा आपका जो अर्जित इनकम है, ये आपका भारत में रह रहे हैं और पैसा कहाँ भेज दे रहे हैं, आपका बाहर भेज दे रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी है कि ये हमारे पक्ष में है या हमारे विपक्ष में है। तो नेट फैक्टर इनकम आपका हमें देखना होता है आपका, दैट इज़ इन आवर फेवर आर नॉट। सामान्य तौर पर भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए नेट फैक्टर इनकम हमारे एडवर्स रहता है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है। भारत का एक्सपोर्ट कम, इम्पोर्ट ज़्यादा, वो तो भला हो, आपका भारत के करीब 3 करोड़ आपका लोग बाहर विदेशों में रहते हैं, और ये 3 करोड़ लोग आपका बहुत पैसा बचाते हैं। भारतीयों के बारे में बात बहुत मानी जाती है कि उनके अंदर सेविंग हैबिट्स हैं, राइट, पैसा बचाते बेचारे, खूब भेजते हैं, तब जाके मामला बराबर पर आता है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे आपका निकाल सकते हो। जैसे आपको अगर ये दिया हुआ है जीडीपी, और आपको कहा जा रहा है इस जीडीपी से निकालो आपका क्या, जीएनपी। अब आपको जीडीपी से जीएनपी निकालना है, तो आप देखो क्या चेंज आया यहाँ पर। जीएनपी आपको ज्ञात करना है, किससे ज्ञात करना है, जीडीपी से। ग्रॉस ग्रॉस बना रहा है, यहाँ पर भी ग्रॉस है, यहाँ पर भी क्या है, ग्रॉस। यहाँ पर आपका हो गया नेशनल, और यहाँ पर क्या हो गया, डोमेस्टिक। आपको पता है नेशनल और डोमेस्टिक का अंतर किसके बराबर होता है, एक्स माइनस एम, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो आपको अगर यहाँ पर जीएनपी निकालना है, किससे निकालना, जीडीपी से, तो हम आपका यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स माइनस एम को घटा देंगे या जोड़ देंगे। ये हमारे पक्ष में होगा, ठीक है, या विपक्ष में होगा। तो ये इसी वजह से यहाँ पर आपका साइन हम लोग कहाँ पर आपका कर रहे हैं, यहाँ पर साइन प्लस माइनस दोनों यूज कर रहे हैं। ये जीडीपी में आपका जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। पॉजिटिव होगा तो जुड़ेगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर हमें आपसे कहा जाए कि एनडीपी निकालो, एनडीपी निकालो, किससे निकालना है, जीडीपी से, तो देखो क्या क्या आपका सेम बना रहा। आप देख रहे हो यहाँ पर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही बना रहा, लास्ट में तो प्रोडक्ट रहता है, सिर्फ यहाँ पर नेट हो गया, किससे हो गया, ग्रॉस से, नेट हो गया ग्रॉस से। और नेट ग्रॉस से तब होता है जब आपका यहाँ पर क्या माइनस होता है, डिप्रिसिएशन। तो आपको समझ में आ गया कि हम आपका यहाँ पर डिप्रिसिएशन आपका माइनस करेंगे, यानी हम आपका यहाँ पर किसको माइनस करेंगे, डी को। तो जीडीपी से अब की बार क्या माइनस कर देंगे, डी माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, तो क्या निकल आया, एनडीपी। चलो और निकालते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप क्या निकालो, आप निकालो, मान लिया मैंने कहा आप निकालिए जीएनपी निकालिए या एनडीपी निकालिए, क्या निकालिए, एनडीपी निकालिए, और किससे निकालिए, आपका जीएनपी से निकालिए। अब ध्यान से समझो आपका क्या क्या सेम बना रहा। एनडीपी निकालना है जीएनपी से, क्या क्या चेंज हुआ है आपका, देखो एनडीपी निकालना है आपका, और किससे निकालना है आपका, जीएनपी से। ओके, तो यहाँ पर आप समझिए आपका क्या क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर चेंज आपका क्या हुआ, यहाँ पर नेट आ चुका है, यहाँ पर क्या है, ग्रॉस है।
तो इसका मतलब आपका यहां से डी क्या होगा, आपका घटेगा। यहां पर डोमेस्टिक है और यहां पर क्या है आपका नेट है। जहां पर डोमेस्टिक है यहां पर नेट है, तो इसका मतलब आपका इधर की तरफ हम आपका क्या करेंगे, इधर की तरफ ये एन डी पी प्लस माइनस एक्स माइनस एम करेंगे, इधर की तरफ आपका क्या हो जाएगा जी एन पी माइनस डिप्रिसिएशन। इसको इस तरफ ले जाओगे तो आपका अगेन हो जाएगा आपका कि एन डी पी बराबर जी एन पी माइनस डिप्रिसिएशन प्लस माइनस एक्स माइनस एम। एक और आपका कॉन्सेप्ट समझते हैं आपका, दैट इज एन एन पी। अगर एन एन पी तुम्हें निकालना है, किससे निकालना है, जी डी पी से निकालना है। तो जी डी पी से एन एन पी कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पर देखो नेट हो गया, यहाँ पर ग्रॉस था, यहाँ नेशनल हो गया, यहाँ डोमेस्टिक हो गया, दोनों बदल रहे हैं, दोनों बदल जा रहे हैं। यहाँ पर आपका नेट हो जा रहा है ग्रॉस से, यहाँ पर आपका नेशनल हो जा रहा है किससे, डोमेस्टिक से। तो क्या माइनस कर दोगे आपका, आपको पता है जब भी कभी आपका क्या हो जाता है, नेट हो जाता है ग्रॉस से तो डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, और अगर नेशनल हो जाता है डोमेस्टिक से तो हम प्लस माइनस क्या कर देते हैं, एक्स माइनस एम। तो आपको यहाँ पता चल गया कि एन एन पी बराबर क्या होता है, जी डी पी माइनस डिप्रिसिएशन प्लस माइनस एक्स माइनस एम। तो आपको उम्मीद है ये फॉर्मूले समझ में आ गए। खेल सब किस चीज़ का है, खेल सारा इस चीज़ का है कि ग्रॉस से अगर आपको निकालना है नेट, तो ग्रॉस और नेट का अंतर किसके बराबर होता है, डिप्रिसिएशन के। अगर हम बात करें डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल आपका बराबर होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी आपका एक्स माइनस एम के, राइट। अब एक चीज़ को आपका समझते हैं, यहाँ पर आपको मैंने ये यहाँ पर बताया हुआ है इन्हीं फार्मूलों को, इसकी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा। एनडीपी निकालने हैं, एनडीपी निकालने किससे निकालने हैं, जीडीपी से। तो आप देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एनडीपी निकालना है जीडीपी से निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो एन हो जा रहा है, यहाँ जी दिया हुआ है, नेट हो जा रहा है ग्रॉस से, तो डिप्रिसिएशन क्या हो गया, माइनस हो गया। एनडीपी यानी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेट को हम आपका यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शुद्ध, या तमाम जगह पर निवल भी लिखा रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा हिंदी वाले बच्चे, नेट अगर लिखा हुआ है तो नेट को आपका हम या तो शुद्ध कहते हैं, या कई बार आपका निवल लिखा रहता है। तो निवल का मतलब और कुछ नहीं, निवल का मतलब क्या होता है, नेट होता है। आगे बात करते हैं, फॉर्मूला ये आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ग्रॉस और नेट का अंतर किसके बराबर, डिप्रिसिएशन का। नेशनल और डोमेस्टिक का अंतर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड के बराबर होता है, यानी एक्स माइनस एम के। अब आपको कोई भी अगर यहाँ पर आपका अभी तक कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी एक चीज़ आपका आती है, ये जीडीपी वगैरह हम आपका मापते तो हैं, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति भी नाप लेते हैं, लेकिन इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, इसके आपका क्या ड्रॉबैक्स क्या है, ओके। तो ड्रॉबैक्स आपका, हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की तो बात करते हैं, उत्पादन की तो बढ़ाने की बात करते हैं। जीडीपी यानी जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा होगा उतनी जीडीपी ज़्यादा होगी, लेकिन पॉल्यूशन का क्या, जब ज़्यादा वस्तुएं सेवाएं आपका उत्पादित करोगे तो आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये इफेक्ट है, निगेटिव इफेक्ट है किसका, प्रोडक्शन का। तो जीडीपी में आपका पॉल्यूशन को तो इंक्लूड ही नहीं करते। इसी वजह से आपको मैंने लास्ट टर्म बताया था ग्रीन जीएनपी के बारे में, कि भाई आजकल जोर दिया जा रहा है ग्रीन जीएनपी पर। आप जीएनपी, आप कितना आपका वस्तुएं सेवाएं, आप कितनी आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे आप अपने एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, ठीक है। वो मैक्सिमम आपका पर हेड, पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आपका अधिकतम उत्पादन, जिस पर आप जो है क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, और वो प्रोडक्शन आपका किसी भी तरीके से आपके एनवायरमेंट को नुकसान आपका पहुंचा नहीं रहा, राइट। आगे बात करते हैं आपका यहां पर कि जीडीपी आपका कई बार बढ़ता है, पर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती, इससे आपके समाज में तमाम बार क्राइम फैलने लगता है, जो क्राइम फैलता है, तमाम सोशल प्रॉब्लम्स आपका आने लगती हैं, इनको भी हम आपका जीडीपी में नहीं शामिल करते हैं, राइट। तो ये भी चीज आपका यहां पर आ जाती है, ठीक है, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, राइट। अब एक चीज आपका आती है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका एनएनपी के बारे में। तो
तो यहाँ पर आपका ये चीज समझिएगा, जब हम एनएनपी निकालना चाहेंगे तो एनएनपी जो निकाल लिया वो एनएनपी है क्या? जीएनपी निकालना आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, जीडीपी से निकालोगे, ग्रॉस ग्रॉसी बना रहा है, यहाँ नेट है यहाँ डोमेस्टिक है, तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम यानी जो कि एक्स माइनस एम होता है वो क्या कर देना, जोड़ देना या घटा देना, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। एनएनपी आपका जब निकालोगे तो एनएनपी को जब जीडीपी से निकालोगे तो जीडीपी से आपको डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, जब जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते तो जीएनपी आ जाता है, राइट, सॉरी एनडीपी आ जाता है। इसी से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा, एनएनपी। साथ समझ में आई ना? नहीं आई तो आपका इस चीज तरीके से समझ लो एक बार। आपका वापस मैंने आपको बताया कि आपको निकालना है एनएनपी, किससे निकालना है आपको, जीडीपी से। तो यहाँ पर नेट मिलना, यहाँ क्या है ग्रॉस, तुरंत क्या माइनस कर दोगे, डिप्रिसिएशन। यहाँ पर नेशनल मिलना, यहाँ पर क्या मिलना, डोमेस्टिक मिलना, तो आप तुरंत आपका घटा जोड़ दोगे क्या, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्यों? क्योंकि आपको बताया, आपका क्या बताया है कि आपको अगर नेट निकालना हो तो नेट निकालने के लिए ग्रॉस से क्या माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन। अगर आपको नेशनल निकालना है तो नेशनल निकालने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक से घटा या जोड़ देते हैं, घटा या जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को, राइट। तो यहां पर आपका ये चीज आई। अब इसी एनएनपी को हम आपका जब कैलकुलेट कर रहे हैं, जीडीपी जब कैलकुलेट किया था तो जीडीपी को हमने आपका मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया था, जितनी भी वस्तुएं सेवाएं हैं सबका आपका मूल्य हमने मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया, राइट। जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम हमने बताया था जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड दे ऑल आर कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। तो अगर जीडीपी आपका मार्केट प्राइस पर होगी तो इस तरीके से जो एनडीपी भी निकलेगी वो भी किस पर निकलेगी, मार्केट प्राइस पर। बात समझ में आई ना? लेकिन मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में भी बताया था, मैंने उत्पादन के चार कारक बताए थे, भूमि, श्रम, पूंजी, लगान, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम आपका उस तरीके से जीडीपी को कैलकुलेट करें, हमने वहां पर भी आपको बताया था राष्ट्रीय आय की गणना करना कि एनएनपी का राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम के लिए मैंने बताया था जितनी भी उत्पादन के चारों कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, लगान, उनका प्रतिफल मिलता है। भूमि का प्रतिफल किराए के रूप में था, श्रम का जो प्रतिफल था वो सैलरी के रूप में था, मजदूरी के रूप में था, जो पूंजी थी कैपिटल था उसका जो है रिटर्न किसके रूप में था, ब्याज के रूप में था, और जो आपका लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप थी जो साहस था उसका रिटर्न लाभ के रूप में था। उनको चारों को जोड़ने पर नेशनल इनकम निकल रही थी। अगर जीडीपी को हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालें, उत्पादन के कारकों पर निकालेंगे, तो एनएनपी भी किस पर निकल के आएगी, एनएनपी भी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगी, और इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग आपका नेशनल इनकम कहते हैं। यानी अगर आपको जीडीपी से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करनी है तो आपको एनएनपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही आपका क्या होती है, नेशनल इनकम होती है, राइट। नाउ एक बार फिर समझिएगा, हमने एनएनपी निकाली, एनएनपी किस पर निकली, एनएनपी निकली मार्केट प्राइस पर। अब आपको निकालनी है एनएनपी किस पर निकालनी है, एनएनपी निकालनी आपका फैक्टर कॉस्ट पर। तो एनएनपी अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पर निकालनी है तो एनएनपी जो आपने मार्केट प्राइस पर निकाली है, इसमें आपका जब मार्केट प्राइस पर निकालते हो तो तमाम तरीके के टैक्स जुड़ जाते हैं, इन टैक्सेस को माइनस कर दीजिए, इन टैक्सेस को माइनस कर दीजिए, आपको निकल आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर हम माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करने पर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आता है, और इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही आपका हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब जब राष्ट्रीय आय को आप जनसंख्या से भाग दे देते तो आपका क्या निकल आता है, प्रति व्यक्ति आय। तो वापस आपका एक बार समझते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने आपको यहीं पर आपका समझाया कि जब आप
एनएनपी निकालते हो तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल इनकम, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही क्या होती है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बार आपका मैं वापस आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है, दोबारा से आपका यहाँ पर मैं रिवीजन के फॉर्म पर आपका समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें हैं लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा, राइट। एक बार वापस आपको चीज़ें बता देता हूँ। आपको मैंने कहा जीडीपी समझ जाओ, जीडीपी आप समझ गए कि जीडीपी क्या है आपका, जीडीपी है किसी भी देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक निश्चित समयावधि में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। जब मौद्रिक मूल्य निकाल ले तो उसमें टैक्सेस भी जुड़े हुए हैं, जो आपसे टैक्स लिए जा रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, राइट। अब बात आती है, मैंने कहा जीडीपी से आपको निकालना क्या है, जीडीपी से निकालना है यहाँ पर एनडीपी। तो क्या करोगे बेटा, यहाँ पर सब कुछ वही बना रहा है, एनडीपी निकालना है आपको, तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करोगे, पी से पी बना रहा, डी से डी बना रहा, शुरुआत में सिर्फ ग्रॉस से नेट हो गया। जब शुरुआत में आपका ग्रॉस से नेट हो जाता है तो आपको पता है आपका क्या करते हो, जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, राइट। क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, चूंकि जो ग्रॉस माइनस नेट होता है वो किसके बराबर होता है, डिप्रिसिएशन बराबर होता है। अब मान लिया एनडीपी आपका निकल आया, तो हम एनडीपी से आपका निकालना चाहते हैं मान लिया एनएनपी, अगर हम आपका निकालना चाहें एनएनपी, और किससे निकालना चाह रहे, एनडीपी से, तो देखो आपका सब कुछ सेम है, सिर्फ एक अंतर आ रहा है, यहाँ पर नेशनल है, यहाँ पर क्या डोमेस्टिक है। तो हम आपका यहाँ लगाएंगे साइन किसका, प्लस माइनस का, और क्या जोड़े घटा देंगे, एक्स माइनस एम, जिसको कि हम आपका कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। अगर आपको यही एनएनपी निकालना हो, एनएनपी निकालना हो किससे, कहा जाए एनएनपी आप निकालो जीडीपी से, तो एनएनपी हम जीडीपी से कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका नेट है, यहाँ पर क्या है, ग्रॉस है, जब नेट है और ग्रॉस है तो हम आपका डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ नेशनल है यहाँ डोमेस्टिक है तो हम आपका प्लस माइनस और क्या कर देंगे, एक्स माइनस एम, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, अगर हम आपसे कहें कि जीएनपी निकालो, और जीएनपी निकालना है तो आप किससे निकालोगे भाई, जीडीपी से ही तो निकालोगे, तो जीडीपी से कैसे निकालोगे, जी से जी बना रहा, पी से पी बना रहा, सिर्फ बीच में आपका नेशनल हो गया, यहाँ डोमेस्टिक है, तो नेशनल डोमेस्टिक क्या आपका हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस एम, ओके। बोलो खेल सिर्फ किस चीज का है, डी को माइनस करने का, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी एक्स माइनस एम को माइनस करने का। तो किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, जीडीपी दिया हो आप जीएनपी निकाल सकते हो, एनडीपी निकाल सकते हो, एनएनपी निकाल सकते हो, आपको एनडीपी दिया तो आप एनएनपी निकाल सकते हो, आपको जीएनपी दिया तो आपका क्या निकाल सकते हो, आप एनडीपी निकाल सकते हो। अगर हम आपसे कहें कि आप कोई भी चीज़ बताओ, मैं आपको यहाँ पर निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। और फाइनली जो आप एनएनपी निकालते हो, वही एनएनपी आपका जो निकल के आती है, ये एनएनपी मार्केट प्राइस पर निकल के आती है, इससे आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देने होते हैं। जैसे जीएसटी जैसे टैक्स कैसे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हो, क्योंकि मार्केट प्राइस में आपका चीजों में टैक्सेस भी जुड़े होते हैं, तो इससे आपका पता चल जाता है किसी भी चीज की आपका फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आपका इनकम। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आया, और इसी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय और कुछ नहीं है, राष्ट्रीय आय आपका, ये सवाल एसएससी में कई बार पूछा गया कि एनएनपी किसकी, ये फॉर्मूले बहुत पूछे जाते रहते हैं, आप देखोगे एसएससी के एग्जाम्स में ये फॉर्मूले सीधा सीधा पूछ लेता है, इनमें बताओ कौन सही है कौन गलत है, या आपका ये क्या है नेशनल इनकम क्या। तो आप सर्व जवाब इतना बताओगे नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। हाँ, पिछले वाले प्रीवियस ईयर अगर आपका एसएससी के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो यहाँ पर से ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, राइट। सबसे टफेस्ट टॉपिक है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आपका बड़े आसानी से समझ में आता है। अब अगर आप राष्ट्रीय आय आपको पता हो, आप उससे पूरी देश की जनसंख्या को डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल आएगी, प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। देखो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको पर कैपिटा इनकम चाहिए तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगी बेटा, पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी? आपकी जो नेशनल इनकम निकली इसको आपका पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकल आई? प्रति व्यक्ति आय निकल आई। तो भारत में अगर आपको प्रति व्यक्ति आय पता करना है तो आपको नेशनल इनकम पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने आपका दो तरीके बताए, एक तो आपका मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मेथड से बताया, उत्पादन के चार कारक बताए। उत्पादन के चार कारक कौन से थे? उत्पादन के चार कारक थे भूमि, श्रम, पूंजी और लगान। तो ये भूमि, श्रम, पूंजी और लगान, इनसे क्या मिल रहा है, इनका रिटर्न किसके फॉर्म में मिल रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनके रिटर्न आपका मिल रहे थे हर एक केस में। भूमि का रिटर्न आपको किराए के रूप में या लगान के रूप में मिल रहा है, श्रम का आपको मजदूरी के रूप में मिल रहा है या वेतन के रूप में मिल रहा है, पूंजी का आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, और लगान मैंने गलत लिख दिया, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है इसके बदले आपको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। मैंने बताया इन चारों को आप जोड़ लीजिए, इन चारों को जोड़ लीजिए तो आपका क्या निकल आता है? नेशनल इनकम निकल आती है। या दूसरा मैंने नेशनल इनकम निकालने का तरीका आपका बताया थ्रू जीडीपी। जीडीपी से डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद प्लस माइनस एक्स माइनस एम कर दीजिए, तो आपका ये जो नेशनल इनकम निकल रही है अभी मार्केट प्राइस पर निकल रही है। लेकिन अगर इसी से आपका ये जो नेशनल इनकम निकल रही है, चूंकि एनएनपी निकल रही है, हम आपका नेशनल इनकम निकालना चाह रहे हैं यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कब निकलेगी? जब आप एनएनपी निकाल लोगे। ये जो निकल के आ गई है ये एनएनपी निकल आई है। किस पर एनएनपी निकल आई? मार्केट प्राइस पर। इससे आपको एक चीज अभी और माइनस करनी पड़ेगी, वो माइनस करनी पड़ेगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका ये निकल आई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आपका जीडीपी का, जीएनपी का, एनडीपी का, राइट, एनएन